हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल अमिता अंजलि। फ्रेंड्स, आज मैं जा रही हूँ सरोजनी नगर मार्केट। सो गाइस, फेस्टिव सीजन आने वाले हैं, तो आई होप सरोजनी नगर में हमें बढ़िया वाले कलेक्शन मिलने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइस, मार्केट के अंदर एंटर करेंगे हम गेट नंबर 3 से। यहाँ से सब्जी मंडी लेन शुरू हो जाती है, तो इसी लेन को हम एक्सप्लोर करने वाले हैं। सो गाइस, हम आ चुके हैं शॉप नंबर 101 के जस्ट सामने वाले लेन में। इसी लेन को कवर करेंगे हम। इस लेन में आपको काफ़ी अच्छे पार्टी वेयर या कैजुअल वेयर भी ड्रेसेस मिल जाती हैं, एंड कलेक्शन काफ़ी अच्छे होते हैं यहाँ पे। गाइज, मुझे यहाँ पे 200 वाले पजामे दिखे, जो आपको काफ़ी टाइम से आपने बहुत सारी वीडियोस में देख रखा होगा। सो ये अभी भी मिल रहे हैं, इनमें बहुत सारे कलर्स अभी भी अवेलेबल हैं। नेक्स्ट, यहाँ पे 150 रुपीज़ के ये शॉर्ट शर्ट मिल रहे थे, जिसे आप जीन्स पे या स्कर्ट वगैरह पे भी वेयर कर सकते हो। काफ़ी अच्छे लुक देते हैं ये, एंड इनमें भी काफ़ी सारे प्रिंट अवेलेबल थे। मैडम मैं ले लो भाई। सो लोगे जस्ट सामने है ये सब। मैडम मैं खेला। 300 की है। अन्नू। सो गाइस, आ चुके हैं हम नेक्स्ट शॉप में, जो कि इसी लेन में है। इस शॉप में आपको हमेशा ही पार्टी वेयर कलेक्शन देखने को मिल जाएंगे। ये 250 की है। गाइस, यहाँ पे प्राइजेज अलग अलग होती है। 250, 300, 400, 500 के अंदर अंदर आपको ये सारे ड्रेसेस मिल जाएंगे देखने को। वाओ गाइस, ये रेड वाला कितना प्यारा लग रहा है ना टॉप। इसी शॉप के बाहर यहाँ पे ये स्टॉल लगे हुए हैं, जिनमें आपको कॉटन वाले टॉप मिल जाएंगे, एंड यहाँ पे आपको श्रग वगैरह भी मिल जाएंगे। एंड ये 200 रुपीज़ के थे। कलेक्शन काफ़ी अच्छे थे एंड प्रिंट बहुत सारे थे। एंड बात करिए क्लॉथ मटेरियल की, तो मटेरियल भी काफ़ी सॉफ्ट था इनका एंड बहुत ही अच्छा था। शॉप नंबर 105, 250 का सेल लगा हुआ है। जोर पे जोर पे जोर पे जोर पे
पड़ा है शॉप नंबर 104 या 105 के आगे आप चाहोगे तो ये वाला स्टॉल आपको मिल जाएगा, ये शॉप मिल जाएगा जहाँ पे आपको सैंडल्स एंड स्लीपर्स के काफ़ी अच्छे कलेक्शन देखने को मिल जाएंगे। एंड यहाँ पे सेल भी लगा हुआ था 250 रुपीज़ का, तो कलेक्शन भैया के पास काफ़ी अच्छे खासे थे। एंड यहाँ पे आपको शूज़ भी मिल जाएंगे। गाइज यहाँ पे आपको कुर्तों के भी अच्छे खासे कलेक्शन देखने को मिल जाएंगे। एंड ये 350 रुपीज़ के थे, एंड इनमें वर्क वाले, चिकन घड़ी वाले एंड बहुत सारे डिज़ाइन के अवेलेबल थे, एंड कलर्स भी बहुत सारे अवेलेबल थे इन भैया के पास। नेक्स्ट इसी लेन में आपको ये पजामे देखने को मिल जाएंगे, प्लाजो पैंट थे जो कि 200 रुपीज़ के थे। इनमें जीन्स वाले एंड अदर मटेरियल में भी प्लाजो मिल रहे थे। एंड जो ये प्लाजो के कलर्स हैं, यहाँ पे आपको कलर्स बहुत सारे मिल जाएंगे। गाइस एक बात मैं आपको बता दूं, सरोजनी नगर के अंदर अभी से ही वूलन कपड़े भी मिलने लगे हैं, क्योंकि यहाँ बाहर से भी लोग आते हैं शॉपिंग करने, सो वो अभी भी बाय कर सकते हैं अगर विंटर ड्रेसेस लेना चाहते हैं तो, विंटर क्लॉथ लेना चाहते हैं तो। नेक्स्ट यहाँ पे 250 रुपीज़ के ये सेट मिल रहे थे नाइट ड्रेस के, जिनमें पजामे एंड टी शर्ट का सेट था, एंड ये 250 रुपीज़ का था। इनमें कलर्स बहुत सारे मिल रहे थे, तो कलर्स काफ़ी प्यारे लग रहे थे। नेक्स्ट गाइस यहाँ पे मिल रहा था प्लाजो पैंट, जो कि फ्लेयर वाले प्लाजो पैंट थे, एंड ये 200 रुपीज़ के थे, एंड इनमें प्रिंटेड थे एंड डॉट्स वाले मिल रहे थे। एंड गाइज यहाँ पे स्कर्ट वगैरह भी मिल रहे थे, एंड स्कर्ट भी आपको 200 रुपीज़ के ही मिल रहे थे। एंड स्कर्ट में भी आपको कलर वैरायटी थी, एंड प्रिंटेड वाली थी, प्लेन वाली भी थी।
नेक्स्ट गाइस, यहाँ पे इयरिंग के कलेक्शन काफ़ी अच्छे लगा रखे थे भैया ने, 50-50 रुपीस के थे। एंड सबसे ट्रेंडी कलेक्शन मुझे लगा यहाँ पे ये मीरा वाला मिल रहा था इयरिंग, तो ये काफ़ी अच्छा लग रहा था मुझे। नेक्स्ट गाइस, इस शॉप में आपको इयरिंग के कलेक्शन काफ़ी अच्छे हैं। नेक्स्ट गाइस, इस शॉप में आपको इयरिंग के कलेक्शन काफ़ी अच्छे खासे देखने को मिल जाएंगे। एंड ये 50 रुपीस के इयरिंग थे। एंड गाइस, बहुत सारे कलेक्शन भैया ने लगा रखे थे, लाइक मिरर वाले, ऑक्सीडाइज वाले। सबसे अच्छा मुझे लग रहा था जो ये मीरा वाला कलेक्शन आया हुआ है ना, ये सबसे लेटेस्ट था, ये बहुत ही अच्छा लगा। गाइज, यहाँ पे ये एक शॉप है जिसमें आपको शरारा सेट, प्लाजो सेट के मस्त वाले कलेक्शन देखने को मिल जाएंगे। हाँ, प्राइजेज हाई थे बट आप बार्गेनिंग कर सकते हो यहाँ पे। भैया 1850 का है ये वाइट वाला, 300 का प्लाजो सेट है। शॉप नंबर 111 के जस्ट सामने। इसी शॉप के आगे यहाँ पे एक स्टॉल लगाया हुआ था भैया ने, जिनमें कुर्ता और प्लाजो का सेट मिल रहा था। एंड गाइस, 300 रुपीज़ का ये कंप्लीट सेट मिल रहा था। एंड कपड़े की क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी थी। एंड कलर बहुत सारे अवेलेबल थे यहाँ पे। वाओ गाइस, यहाँ पे ना 100 रुपीज़ के ये दुपट्टे मिल रहे थे। मुझे तो लग रहा था सारे ही दुपट्टे ले लूँ मैं, सारे ही कलर्स इतने प्यारे लग रहे थे। सो आपको भी यहाँ पे अगर आपको मैचिंग का दुपट्टा लेना है तो आप यहाँ पे आ सकते हो। 100 रुपीज़ के अंदर नेट वाले, शिफॉन वाले सारे दुपट्टे आपको मिल जाएंगे। गाइस, यहाँ पे आपको एक और इयरिंग का स्टॉल देखने को मिल जाएगा। एंड यहाँ पे 30 रुपीस के इयरिंग लगे हुए थे, इनके भी कलेक्शन काफी अच्छे थे। नेक्स्ट गाइस, शॉप नंबर 116 के जस्ट आगे आपको मिल जाएंगे शूज़ के कलेक्शन। एंड ये 350 रुपीज़ के शूज़ थे। एंड क्वालिटी भी अच्छी थी इनकी। एंड कलर भी काफ़ी सारे अवेलेबल थे।
गाइस शॉप नंबर 116 के आगे आप थोड़ा सा जाओगे जस्ट सामने, तो आपको ये बैग के कलेक्शन थोड़ा सा अंदर जाके आप देखोगे तब दिखेगा, थोड़ा सा अंदर है ये शॉप। सो यहाँ पे ये बैग के कलेक्शन लगे हुए थे एंड प्राइजेस सबके अलग अलग थे, बट बार्गेनिंग अच्छे खासे हो रहे थे यहाँ पे, तो आपको 200-300 रुपीज़ के मिल जाएंगे ये बैग्स। गाइस ये वीडियो हो जाता काफ़ी लंबा, इसलिए मैंने कर दिया है इसे दो पार्ट में। तो नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करेंगे हम ग्रेफिटी लेन से, सो आप सेकंड पार्ट भी ज़रूर देखना, वहाँ भी आपको अच्छे कलेक्शन देखने को मिलेंगे। एंड हाँ, आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।